इन क्वेश्चंस को देखिए, पहला क्वेश्चन एवलुएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि जो दोनों एंगल्स होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ओके लाइक अगर यहाँ पे आप इस वैल्यू को इस यहाँ पे कॉस 72 डिग्री, तो हमारे पास एक रिलेशन है कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन साइन 90 माइनस थीटा। ओके तो इसको चेंज कर लीजिए कॉस में या फिर इसको चेंज कर लीजिए साइन में। ओके दोनों को कर सकते हैं या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ओके तो चलिए आप कॉस को चेंज करते हैं, इसको अगर चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन 18 डिग्री अपॉन इस ये जो कॉस 72 डिग्री इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री। ओके और 90 माइनस 72 कितना आएगा, देखिए 90 माइनस 72 आएगा 18, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। ओके 18 सो ये कैंसल आउट हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा 1। ओके इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी रहेंगे वहां पे जो एंगल्स दिए रहते हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिए रहते हैं जिससे कि आप इसको इजीली इवेल्युएट कर सके। ओके यहाँ पे देखिए कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, यहाँ भी जो एंगल्स है कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स अगर यहाँ पे हम इसको कॉसेक को सेक के टर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे आप सेक 90 माइनस 31 माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए यहाँ पे देखिए दो टाइप मीन्स सेक और कॉसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ओके एंगल्स के रेस्पेक्ट में सो इसको सेक के टर्म में चेंज कर दीजिए। देखिए अब सेक 90 माइनस 31 कितना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 31 कितना होता है, ये होता है 59 और ये क्या है ये भी है सेक 59 डिग्री। सो दोनों क्या इसका लॉट हो जाएंगे, रिजल्ट क्या है 0 आएगा। ओके सेकंड क्वेश्चन देखिए कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री का रिजल्ट हमको कितना प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। ओके देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए ये है हमारा रिजल्ट कॉस में। ओके और यहां पे जो वैल्यूज है साइन में, तो इस साइन वाले टर्म को अगर आप कॉस में चेक करें, देखिए 38 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 38 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 52। ओके और 52 का कितना होगा 38 होगा, मींस या तो आप इसमें एक को साइन में चेंज कर दीजिए और इसमें एक कॉस को चेंज कर दीजिए या फिर इन दोनों को साइन में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 38 डिग्री को जब चेंज करेंगे तो इसका 38 का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 52 होता है, तो ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री। ओके और ये कॉस 52 को करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री। ओके तो ये माइनस साइन 38 एंड साइन 52 क्या हो जाएगा, ओके सेम है कैंसिल आउट होकर क्या रिजल्ट दे देंगे, 0 दे देंगे। ओके या तो ऐसे कर सकते हैं, ओके या फिर इन दोनों को हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पे जब लगाएंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस में आ जाएगा और 90 माइनस 38 कितना होता है 52 होता है। ओके तो ये हो जाएगा कॉस 52 डिग्री इंटू ये कॉस 90 माइनस 52 करेंगे तो 38 आएगा। ओके यही आ जाएगा दैट इज कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री। ओके इसको अगेन चेंज करिए कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री सो सेम है कैंसिल आउट रिजल्ट ले जाओ। ओके तो दोनों तरीके हैं, या तो इस यहाँ पे इसमें एक चेंज कीजिए इसमें जो चेंज कीजिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री इसमें चेंज कीजिए। ओके या फिर दोनों को यहाँ पे चेंज कीजिए या फिर दोनों को यहाँ पे चेंज कीजिए, तीन तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ओके थर्ड वन देखिए इफ सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, 4a क्या है यहाँ पे एक एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री को क्या कहते हैं एक्यूट। ओके देखिए यहाँ पे sec a 4a की वैल्यू दिस वन दी गई, सो कॉसेक या तो आप क्या कीजिए इसको cos इस एंगल को यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाइए आप कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा लगाइए या फिर sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा लगाइए। ओके इन दोनों का यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्यों देखिए कैसे
यहाँ पे sec है और यहाँ पे cos है, अगर ये दोनों sec होता तो हम एंगल को क्या कर लेते, कंपेयर कर लेते, ओके बोथ साइड कंपेयर कर लेते, बट यहाँ पे sec है और एक cos है, तो हमें एक साइड पे या तो cos, यहाँ पे cos बनाना पड़ेगा या तो यहाँ पे sec बनाना पड़ेगा, ओके तो चलिए हम यहाँ पे पहले cos करके देख लेते हैं। तो इस sec को अगर हमें cos में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है और थीटा यहाँ पे क्या 4a है, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे cos a माइनस 20, ओके देखिए अब दोनों साइड cos है तो एंगल जो क्या होंगे, एंगल्स कंपेयर करेंगे तो एंगल सेम होंगे, मींस हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, ये 20 साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 110 और यहाँ पे हो जाएगा 5a, ओके और इसको काटेंगे तो आएगा 5 2 टाइम्स 10 हो जाएगा और ये 2, मींस यहाँ पे a कितना आ रहा है 22 डिग्री आ रहा है, ओके एंगल जो भी, ओके या तो हमने इसे कैसे सॉल्व किया, इस sec a को cos a के टर्म में कन्वर्ट करके किया, ओके दूसरा कैसे कर सकते हैं, इस cos a को sec में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, राइट देखिए कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है किसका कॉम्प्लीमेंट करने पे वो डिविजिबल मींस कट जाएगा या फिर कंपेरेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम sec में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा और यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है a माइनस 20 a, सो a माइनस 20 और यहाँ पे क्या है हमारा sec 4a, ओके चलिए देखिए ये हो जाएगा sec 90 माइनस a और ये माइनस माइनस प्लस 20, ओके और यहाँ पे sec 4a, sec 4a वैल्यू कितनी हो जाएगी sec 90 प्लस 20 110 माइनस a, एंगल को कंपेयर कर लीजिए दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ओके यहाँ पे भी sec है यहाँ भी sec है एंगल कंपेरेबल होंगे तो 4a इज इक्वल टू 4a इक्वल टू 110 माइनस a दैट इज 5a इज इक्वल टू 110 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 यहाँ पे 2 टाइम्स 10 हो जाएगा यहाँ पे बचेगा 1 ये 2 मींस एंगल a कितना हो जाएगा 22 डिग्री, ओके सो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल्स, नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ओके।